नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरा देश एक तरह से जो है बंद है, लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। लेकिन हम आपको सहरसा का नजारा दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से लॉकडाउन का पालन यहां पर हो रहा है। तमाम तस्वीरों को आप करीने से देखिए, देखिए लोगों का हुजूम है, न कोई नियम न कोई कायदा। हम यहाँ कुछ लोगों से जुड़ेंगे और बात भी करेंगे। बाहर निकले हैं और इस तरीके से मजमे में है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जरूरत का सामान लेने आए हैं, सब्जी के बिना आदमी रह नहीं सकता है। माँ और चावल खाने वाला समय अब रहा नहीं है, कुछ ना कुछ आदमी चाहता है कि खाया जाए। लेकिन इस तरह भीड़ की शक्ल में लोग हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, हम अपने जरूरत को पूरा करने आए हैं और सब इसी तरह हम लोग हमारे तरह ही सब अपने जरूरत को पूरा करने आए हैं। लेकिन डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हम लोग सब जाते हैं तो सबको हम मना भी नहीं कर सकते। ये डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे लोग जो आते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये ठीक रहा औरों पर बोल रहे हैं। हम और कुछ लोगों से पूछते हैं, मनमा देखिए लोगों का, जिससे लग रहा है कि छठ और दीपावली का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, उस तरह की भीड़ यहाँ पर है। ये मानवीय है कि लोग किस तरह से नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम यहाँ और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। भाई साहब, इस तरह से जो है भीड़ लगा करके लोग खड़े हैं, क्या हम चाहेंगे आप नजदीक आए, इनसे जानना चाहते हैं। इतनी भीड़ अगर लगती है तो ये तो बिल्कुल सरकार के नियम का पालन करना नहीं हुआ जी, पालन नहीं हुआ। क्या लगता है कि लोगों को घर के भीतर रहना चाहिए या इसी तरह सड़क पर रहना चाहिए जी? जोर से बोलिएगा, जरा नजदीक आइए, भीतर रहना चाहिए। तो आखिर फिर क्यों इस तरह से आप भी बाहर हैं? जा रहे हैं, ये सब्जी लेने आए थे, सब्जी लेके जा रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार के जो नियम कायदे हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हम इतने पर नहीं रुकने वाले हैं, हम और कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह तमाशा लोगों ने क्यों बना रखा है, आखिर लोग चाहते क्या हैं। बाबा, घर में रहना है, घर से बाहर क्यों निकल गए हैं? कल रामनवमी है। अच्छा, पूजा खरीदने आए। अभी भगवान की पूजा सबसे बड़ी यह है कि आप अपने घर में रह के पूजा कीजिए, इस तरह से क्यों नौटंकी कर रहे हैं? नहीं तो आप जा रहे हैं, आप भी जाइएगा और सबको लेके जाइएगा। क्या मजाक बना दिया है आप लोगों ने? लॉकडाउन का क्या मतलब है? हम कभी नहीं, 8-10 दिन से बाजार नहीं आते थे, तो आज ही आए हैं। अरे क्यों बहाना बनाते हैं आप? अरे आप बताओ तो, लोगों की जो इतनी भीड़ यहाँ होती है, आप देखिए हमारे पीछे का नज़ारा, किस तरह से लोगों का कारवां आ रहा है। लग रहा है कि लोग किसी उत्सव में निकले हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम है कहीं पर, वहीं पर इन्हें जाना है। लॉकडाउन है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रहना है, लेकिन यह बिहार का सहरसा जिला है जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सरकार और सिस्टम ने जो नियम और कायदे बनाए हैं उसकी न केवल हवा निकाली जा रही है बल्कि धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस खबर में इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारी खबरों को शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। जय हिंद।